आप में से शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि स्टील की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए स्टील में एक ऐसा कंपोनेंट ऐड किया जाता है जो कि उसे मजबूती तो देता ही है, साथ ही साथ उसे जंग लगने से भी बचाता है, और वो कंपोनेंट है कार्बन। स्टील में कार्बन का कुछ हिस्सा ब्लेंड किया जाता है और इसका अलॉय अच्छी मजबूती वाले मैटर्स को भी टक्कर देता है। कार्बन और स्टील के अलॉयज को आज भारत में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में बड़े लेवल पर इस्तेमाल में लाया जाता है, और आज हम इसी कार्बन स्टील के मैन्युफैक्चरर को मिली बड़ी इन्वेस्टमेंट की खबर लाए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर है कि भारत के मैन इंडस्ट्रीज कंपनी को 500 करोड़ के कार्बन स्टील पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग के बड़े ऑर्डर मिले हैं। भारत कार्बन स्टील पाइप्स का ग्लोबली मेजर एक्सपोर्टर है। देश का स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस और कॉम्पिटिटिव कॉस्ट स्ट्रक्चर विदेशी इन्वेस्टमेंट्स को अपनी ओर खींचता है। मैन इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई जाने वाली कार्बन स्टील पाइप्स डोमेस्टिक मार्केट में तो सप्लाई की ही जाती हैं, साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को भी टारगेट करती हैं। कंपनी डिफरेंट साइजेस और ग्रेड्स के एक्सीलेंट क्वालिटी कार्बन स्टील पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और यह कार्बन स्टील पाइप्स हैवी ड्यूटी इंडस्ट्री में बहुत जगह काम में लाई जाती हैं। मैन इंडस्ट्रीज इस साल के अंत तक रैपिडली ग्रोथ की ओर बढ़ रही हैं। इस ऑर्डर से पहले मार्च महीने में कंपनी को 1300 करोड़ के बड़े मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर मिले थे। कंपनी का कहना है कि अराउंड 2300 करोड़ के ऑर्डर्स अगले 6 महीने में पूरे करने का टारगेट है। अगर हम बात करें कार्बन स्टील पाइप्स के इस्तेमाल की, तो कार्बन स्टील पाइप्स का इस्तेमाल मेनली ऑयल के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में यूज होने वाली पाइप्स में किया जाता है, और इसके अलावा अमेरिका जैसे बड़े देश नए डैम्स और पावर प्लांट्स इत्यादि बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके जंग ना लगने का फीचर इसे मेनली स्टील या स्टेनलेस स्टील से अलग बनाता है, जिससे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर या गैस ट्रांसपोर्टेशन जैसे बड़े काम बहुत ही सुविधा से हो जाते हैं। भारत की सरकार भी कार्बन स्टील के इस्तेमाल को प्रमोट कर रही है। यह अलॉय न केवल बड़ी कंस्ट्रक्शंस में बल्कि बिल्डिंग्स और घरों की कंस्ट्रक्शन में पाइप्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे घरों की पाइप्स में लगने वाले जंग को भी रोका जा सके। आज के टाइम में चाहे चीन कार्बन स्टील का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन भारत के मैन्युफैक्चर्ड कार्बन स्टील पाइप्स ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ में दुनिया भर में मशहूर हैं। हमें बहुत गर्व हो रहा है बताते हुए कि भारत कार्बन स्टील पाइप्स 100 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है, जिनमें ऑयल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले देश सबसे आगे हैं, और इस लिस्ट में अमेरिका, अरब, सऊदी अरेबिया, इराक, वियतनाम जैसे बड़े देश शामिल हैं। मैन इंडस्ट्रीज के अलावा भारत में और भी बहुत से बड़े प्लेयर्स हैं जो कार्बन स्टील पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, जिसमें नोवा स्टील्स, ब्राइट स्टील्स, ओजेयर ट्रेडलिंक, ट्यूबवेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ग्लोबली इस मार्केट को 2030 तक $1,251 बिलियन प्रोजेक्टेड किया गया है, जबकि आज के टाइम में भारत का कार्बन स्टील इंडस्ट्री का $10 बिलियन का मार्केट साइज है, और इसकी हर साल 10% ग्रोथ को देखते हुए फॉरेन की कंट्रीज बहुत उत्सुकता से भारतीय कंपनीज में इन्वेस्ट करती जा रही हैं। अगर आपको भी हमारी तरह इस खबर को सुनकर गर्व हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में MII लिखना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।